पाए हर खबर सबसे पहले सिर्फ लाइव टुडे पर। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज लाइव, मैं हूं आपके साथ तृप्ति मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन इससे पहले आइए देख लेते हैं सुपर 100 खबरें। भारत में कोरोना वायरस का कहर जारी। बीते 24 घंटे में 64,531 नए केस आए सामने, 1,092 लोगों की मौत। यूपी में बढ़ रहा कोरोना महामारी का प्रकोप, 24 घंटे में 5,156 नए मामले आए सामने, मरीजों का आंकड़ा 1,67,510 पहुंचा। कोरोना टेस्टिंग के मामले में यूपी ने बनाया रिकॉर्ड, अब तक 40 लाख से ज्यादा लोगों की हुई जांच, कोरोना से अब तक 2,638 मौतें। यूपी के एक और मंत्री कोरोना संक्रमित, सत्र से पहले कोरोना पॉजिटिव हुए उदय भान सिंह, लखनऊ के एसपीजीआई में भर्ती। दिल्ली में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,56,000 के पार, बीते एक दिन में मिले 1,398 पॉजिटिव केस। तनाव दूर करने के लिए फिर होगी भारत चीन के बीच बातचीत, विदेश मंत्रालय के अधिकारियों की बैठक आज, अब तक 5 बार सैन्य, 3 बार मंत्रालय के अधिकारियों की वार्ता। सचिन पायलट का शक्ति प्रदर्शन, पायलट की झलक पाने को उमड़ा जनसैलाब, 100 किलोमीटर तक स्वागत में खड़े दिखे लोग। केरल के सीएम ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, एयरपोर्ट प्राइवेट कंपनियों को दिए जाने का किया विरोध, 50 साल तक प्राइवेट कंपनी संभालेगी एयरपोर्ट। जम्मू कश्मीर पर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, अर्धसैनिक बलों की 100 कंपनियां बुलाई जाएंगी वापस, बीएसएफ, एसएसबी, सीआईएसएफ की भी 20-20 कंपनियों की वापसी। जम्मू कश्मीर में सेना को मिली बड़ी कामयाबी, शोपिया और हंदवाड़ा में आतंकवादियों से मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने 3 आतंकवादियों को किया ढेर। कोरोना महामारी के बीच यूपी विधानसभा का मानसून सत्र आज, 65 वर्ष से अधिक के विधायकों की रहेगी वर्चुअल भागीदारी। आगरा में पुलिस को बड़ी कामयाबी, बस हाईजैक करने वाला प्रदीप गुप्ता पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार, मौके से एक साथी फरार, तलाश जारी। आगरा से गायब हुई यात्रियों से भरी बस इटावा से बरामद, सभी यात्री सकुशल घर पहुंचे, प्रदीप गुप्ता नाम के शख्स पर हाईजैक का आरोप। आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज की जूनियर डॉक्टर की अपहरण कर हत्या, जालौन पुलिस ने आरोपी डॉक्टर विवेक तिवारी को हिरासत में लिया। गाजियाबाद में भारी बारिश के चलते ग्राम पंचायत की दीवार गिरी, डाफना देहात ग्राम पंचायत में भरा पानी, बड़ा हादसा होने से टला। जौनपुर में आभूषण कारोबारी की धारदार हत्या से हत्या, शाम को घर से निकला था आभूषण कारीगर, कुएं में लाश मिलने से सनसनी। गोंडा में युवक ने खाया जहर, बीजेपी विधायक पर धमकी देने का आरोप, जमीन विवाद को लेकर दी जा रही थी धमकी। लखनऊ के जेएमयू में प्लाजा बैंक की शुरुआत, कोरोना के गंभीर मरीजों की बचेगी जान, मृत्यु दर में आएगी गिरावट। अब राजधानी में यूरिया की कालाबाजारी होगी बंद, कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने दिए निर्देश, यूरिया की कालाबाजारी करने पर होगी कार्रवाई। लखनऊ में वाहन स्वामियों ने जमकर काटा हंगामा, अवैध तरीके से की जा रही वसूली, अनुबंधित क्रेन से उठाई जा रही गाड़ियां। उत्तराखंड विधानसभा सत्र केवल 3 दिन चलेगा, विधानसभा को मिल चुके 910 सवाल, अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने पुष्टि की। उत्तराखंड में उच्च शिक्षा आयोग का होगा गठन, वार्षिक परीक्षाओं में फिर लागू होगा सेमेस्टर सिस्टम, 40 दिन में देगी सुझाव। देहरादून में राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम की बदहाल स्थिति, 300 करोड़ की लागत से बना क्रिकेट स्टेडियम, बीजेपी सरकार रखरखाव पर नहीं दे रही ध्यान। देहरादून में कांग्रेस का राज्य सरकार पर हमला, विकास के दावों को बताया खोखला, कहा गैरसैंण को लेकर सरकार नहीं है गंभीर। देहरादून में राज्यपाल जाजरा वंशीवाला करेंगे निरीक्षण, नेस्सी बाहुल्य ग्राम को मॉडल ग्राम में तब्दील करने का फैसला। वहीं पार्थिव शरीर भारत लाने की मांग कर रहे हैं परिजन, आपको बता दें कि मलेशिया में हुआ है देहांत, परिजन कर रहे हैं पार्थिव शरीर को वापस लाने की मांग। गवार को कोचला मार्ग मोटर मार्ग का मामला, सालों से मार्ग बदहाल पड़ा है। रुड़की में दो पक्षों में खूनी संघर्ष, राष्ट्रीय बजरंग दल नेता का आरोप, कई लोग गंभीर रूप से घायल।
टिहरी घंटाखंड मंदिर में बैठक का आयोजन, जीर्णोद्धार के कार्यों की हुई समीक्षा, छोटी दीपावली में खुलेगा मंदिर। टिहरी में दिव्यांग पुनर्वास केंद्र का निरीक्षण, डीएम ने लोनिवी को दिए निर्देश, केंद्र के सामने का रास्ते को दुरुस्त करें। हल्द्वानी में अनलॉक 3 की गाइडलाइन से कारोबारी नाराज, बैंड बाजा व्यवसायियों ने जताया विरोध, कहा सरकार कारोबार में नहीं दे रही ध्यान। देहरादून के जेजे रोड में नासूर बना भूस्खलन, खालसी चक्राता मोटर मार्ग बंद, स्थानीय और पर्यटकों को हो रही परेशानी। गराहाट में गवार कोचिला मोटर मार्ग का मामला, उच्च न्यायालय ने लिया संज्ञान, विभागीय अफसरों को कार्रवाई के निर्देश दिए। मसूरी में कैंपटी फॉल में पर्यटकों को मिलेगी अनुमति, नो कोविड 19 का प्रमाण पत्र दिखाने पर एंट्री, कोरोना काल में परेशान थे कारोबारी। टिहरी में वन विभाग की टीम को मिली कामयाबी, गुलदार के पकड़े जाने से राहत ने ग्रामीण कई लोगों को किया था घायल। गराहाट में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हल्ला बोल, विधायक महेश नेगी का पुतला फूंका, पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने सरकार पर बोला हमला, विधायक महेश नेगी के खिलाफ कार्रवाई की मांग। कोटद्वार में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, मंत्री हरक सिंह रावत का पुतला फूंका, कोरोना काल में किए गए कार्यों की जांच की मांग। मंगलौर में कांग्रेस नेताओं पर केस दर्ज का विरोध, विधायक काजी निजामुद्दीन ने जताया आक्रोश, बीजेपी काल में कांग्रेस का हो रहा दमन। देहरादून में उपनगर आयुक्त कोरोना पॉजिटिव, देहरादून नगर निगम को किया बंद, उपनगर आयुक्त के साथ काम करने वाले 4 लोग आइसोलेट। मसूरी में टैक्सी मैक्सी महासंघ का गठन, सुंदर सिंह पवार बने महासंघ के अध्यक्ष, टैक्सी और मैक्सी संचालकों की समस्याओं का करेंगे निदान। बागेश्वर पुलिस की कार्यशैली पर सवाल, लोगों ने एसडीएम से की जांच की मांग, 4 लोगों को भेजा जेल। चमोली में पर्यटन स्थल की दुर्मिताल की बदली की सूरत, समाजसेवी ने चलाया जनजागरण अभियान, नए संकल्प के साथ दुर्मिताल का करेंगे पुनर्निर्माण। देहरादून में बारिश से जनजीवन पर ब्रेक, रिहायशी इलाकों में पानी ही पानी, लोगों को हो रही काफी परेशानी। मसूरी में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, घने कोहरे ने बढ़ाई मुश्किलें, प्रशासन के प्रति लोगों में आक्रोश। बिलासपुर में पीडब्ल्यूडी विभाग की घोर लापरवाही, ओल्ड कंपोजिट बिल्डिंग की जर्जर हालत, टपकती छत के नीचे रखी जरूरी फाइल। जगदलपुर में बारिश से बाढ़ जैसे हालात, तूफान पर इंद्रावती नदी, डीएमएसपी ने किया दौरा, अलर्ट पर बाढ़ आपदा दल। बिलासपुर में किसानों को होगा बोनस का भुगतान, राजीव गांधी न्याय योजना में होगा भुगतान, जिला सहकारी बैंक को मिली राशि। कोरिया में यूरिया न मिलने पर किसानों का प्रदर्शन, किसानों ने सहकारी समिति में तालाबंदी की, अधिकारियों पर लगाया लापरवाही का आरोप। रायगढ़ पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, सोलर प्लांट में चोरी का खुलासा, 4 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार, चोरी का माल बरामद। जाबुआ में पर्यावरण की दिशा में सार्थक कदम, लोकल में वोकल के तहत आत्मनिर्भर महिलाएं, मिट्टी के बनेंगे इको फ्रेंडली गणेश। प्रतापपुर में हाथियों ने मचाया उत्पात, किसानों की फसल की चौपट, मौके पर नहीं पहुंचा वन विभाग अमला, ग्रामीणों ने नाराजगी जताई। कसडोल में जिला सहकारी बैंक की 68वीं शाखा का शुभारंभ, संसदीय सचिव चंद्रदेव राय रहे मुख्य अतिथि, जनपद अध्यक्ष ने समर्थकों संग दिया धरना। पखांजुर में 55 साल पुरानी परंपरा टूटी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में नहीं फहरा झंडा, स्थानीय प्रशासन को नहीं है जानकारी। उज्जैन में नाबालिग से दुष्कर्म की कोशिश, आरोपी को ग्रामीणों ने पकड़ा, आरोपी का निकाला गया जुलूस, पुलिस ने मामला दर्ज किया। जाबुआ में जीआरपी एसपी ने थाने का किया निरीक्षण, जीआरपी कर्मियों की सराहना की, लंबित मामलों में त्वरित कार्रवाई के निर्देश। उज्जैन में दर दर भटक रहा गरीब परिवार, सड़क पर रहने को मजबूर परिवार, दबंगों ने पीड़ित परिवार से की मारपीट, नहीं हुई कार्रवाई। उज्जैन में हिंदू सभा का आमिर खान पर हमला, तुर्की की प्रथम महिला से मुलाकात की निंदा, आमिर खान की फिल्मों के बहिष्कार की मांग।
उज्जैन पुलिस को बड़ी कामयाबी, फरार हिस्ट्री शीटर मुकेश भदाले गिरफ्तार, 25 से ज्यादा मामलों में था वांछित। चित्तौड़गढ़ में सीएम की योजना, कोई भूखा ना सोए, 20 अगस्त को इंदिरा रसोई योजना का शुभारंभ, 3 स्थानों पर मिलेगा ताजा भोजन। पाली में शराब माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई, अवैध शराब के ठिकानों पर छापेमारी, कार्रवाई से शराब माफियाओं में हड़कंप। भारतीय स्टेट बैंक ने ग्राहकों को दिया तोहफा, एसबीआई के 44 करोड़ खाताधारकों के लिए खुशखबरी, मिनिमम बैलेंस नहीं रख पाने पर का चार्ज मांग। सस्ता हुआ सोना, चांदी के भाव में भारी गिरावट, सराफा बाजार में सोना 391 रुपए हुआ सस्ता, चांदी के भाव में भी भारी गिरावट। जियो का 329 रुपए का प्लान, 84 दिन की वैलिडिटी के साथ मिलेंगे फायदे, ग्राहक रोज सुन सकते हैं 1 GB से 3 GB रोजाना वाला प्लान। केंद्र शासित प्रदेशों ने अब तक 2.5 करोड़ प्रवासियों को मुफ्त में दिया अनाज, 2 महीने के लिए 8 लाख टन का अनाज आवंटन किया। देश में कोरोना काल में गई 41 लाख युवाओं की नौकरी, निर्माण और कृषि क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारी हुए प्रभावित। धूप अगरबत्ती कारोबार में 15% की वृद्धि, कोरोना काल में आम लोगों में पूजा सामग्रियों की बड़ी मांग। शेयर बाजार की मजबूत शुरुआत, सेंसेक्स में करीब 200 अंकों का उछाल, 478 अंकों की बढ़त के साथ बंद हुआ सेंसेक्स। संकट से जूझ रही गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, सरकार ने एनबीएफसी और एचएफसी के लिए कर्ज गारंटी योजना के नियमों में दी ढील। रिलायंस ने फार्मेसी कंपनी नेटमैक्स में खरीदी 7% हिस्सेदारी, रिलायंस ने 620 करोड़ रुपए में दी। तकनीक और कौशल से सप्लाई चेन मजबूत बनाएंगी ऑटो कंपनियां, चीनी सामान पर निर्भरता खत्म, वाहन कंपनियों ने सहयोग देने के लिए फैसला लिया। 9 हफ्तों के पीक पर पहुंची राष्ट्रीय बेरोजगारी दर, ग्रामीण क्षेत्र ने बढ़ाई चिंता, शहरों में चुनौतियां बरकरार, खर्च करने की क्षमता पर असर। कम लागत वाले मकान बनाने में हिस्सेदारी निभाए इस्पात आयोग, केंद्रीय इस्पात और पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने की अपील। सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल के दाम में नहीं किया कोई बदलाव, बीते 3 दिन लगातार रेट में बढ़ोतरी के बाद लगा ब्रेक। कराची चैंपियनशिप को मिला गोल्ड मेडल, मेरठ की फरा ने जीती गोल्ड मेडल, इंटरनेशनल ऑनलाइन कराची चैंपियन बनी फरा। नेमार जूनियर पर कोरोना का कहर, मैच के बाद बदली टी शर्ट, टूट सकता है चैंपियंस लीग फाइनल खेलने का सपना। सीपीएल 2020 में सुनील नरेन ने पहले झटके विकेट, फिर 27 गेंद में ठोके 50, शाहरुख खान की टीम की कराई जीत से शुरुआत। रोहित शर्मा होंगे खेल रत्न पाने वाले चौथे क्रिकेटर, विनेश फोगाट और मनिका बत्रा को भी मिलेगा शीर्ष खेल पुरस्कार। आईपीएल से पहले दिल्ली ने किया बड़ा बदलाव, क्रिस वोक्स की जगह यार्कर स्पेशलिस्ट टेनरिक को किया टीम में शामिल। सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच करेगी सीबीआई की एसआईटी, 4 अधिकारी किए गए शामिल, समानांतर जांच के साथ ही रिव्यू पिटीशन पर विचार करेगी महाराष्ट्र सरकार। द बिग पुल में इलियाना डी क्रूज का फर्स्ट लुक आया सामने, शेयर किया पोस्टर। करोड़ों की डील के तहत प्रियंका ने किया पहली फिल्म का ऐलान, जल्द होगी फिल्म रिलीज। हेमा मालिनी और ईशा देओल की गणेश उत्सव पर जमी जोड़ी, भरतनाट्यम करती दिखी मां बेटी। बिग बॉस 14 का हिस्सा बन सकती हैं रमानंद सागर की परपोती साक्षी चोपड़ा, इंटरव्यू में कंफर्म की बात। द कपिल शर्मा शो में पहुंचे मीका सिंह की कपिल ने खींची टांग, वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल। प्रीति जिंटा के घर में होगी हरी मिर्च, मां को कहा धन्यवाद, एक्ट्रेस कैंटी से काटती आई नजर। असम में आई बाढ़ के लिए अक्षय कुमार ने राहत कोष में दिए 1 करोड़ रुपए, मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर जानकारी दी। इंस्टाग्राम ने डिलीट की हार्दिक पांड्या और नताशा सुनकोविक की तस्वीर, अभिनेत्री ने जताई नाराजगी।
सड़क टू का नया गाना रिलीज, दिखी आलिया आदित्य की रोमांटिक केमिस्ट्री। हीरोपंती 2 में दिखाई दे सकती हैं कैटरीना कैफ, फिल्म का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार। बढ़ती जा रही हैं रिया चक्रवर्ती की मुश्किलें, निर्देशक ने अपनी फिल्म से हटाया एक्ट्रेस का नाम। रश्मि देसाई के बाद अब अनीता हसनंदानी ने अपनाया शकीरा का लुक, वीडियो शेयर कर बोली आखिर तक देख। बेटियों की फीस के लिए पिता ने लगाई सोनू सूद से मदद की गुहार, एक्टर ने करवाया बेटियों का एडमिशन। दीपिका सिंह ने अमिताभ बच्चन की कविता पर किया क्लासिकल डांस, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। करण जौहर पर भड़की कंगना रनौत, पद्मश्री वापस लेने के लिए भारत सरकार से लगाई गुहार। अनुपम खेर ने शेयर किया मां दुलारी का मजेदार वीडियो, फैमिली ने बिना कारण काटा केक। अंकिता लोखंडे ने बहनों के साथ सुशांत की वीडियो पर किया कमेंट, लोग करने लगे अगले जन्म साथ की बात। गुंजन सक्सेना की बैचमेट महिला पायलट ने क्लाइमेक्स को लेकर किया चौंकाने वाला खुलासा, इंस्टाग्राम पर शेयर किया पोस्ट। बॉयफ्रेंड के साथ काम करने के लिए सुगंधा मिश्रा ने बिग बॉस को कहा ना, सुनील ग्रोवर के शो में लेंगे एंट्री। सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर फंड शुरू करते ही फैंस के गुस्से का शिकार हुई एकता कपूर, ट्विटर पर फैंस ने सुनाई खरी खुशी।